छात्रों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ का नाम है मौसम तेरे रंग निराले, विमला रस्तोगी इस पाठ की लेखिका है। इन्होंने इस पाठ में क्या बताया है, बच्चे ऋतुओं से बातें कर रही हैं, ऋतुएं बच्चों से बातें कर रही हैं, इनका संवाद यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें ऋतुओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस पाठ के द्वारा हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक ऋतु का अपना अलग महत्व होता है। ऋतुओं के परिवर्तन से ही प्रकृति का चक्र चलता है। हमें सभी ऋतुओं का आनंद उठाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इन ऋतुओं का आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि ऋतुएं बदलती रहती हैं। एक ही ऋतु हमेशा नहीं रहता है। चार महीने अलग ऋतु, ऐसे 12 महीनों में अलग अलग ऋतुएं आती हैं। हमारे भारत में 3 ऋतुएं मुख्य हैं और इन 3 ऋतुओं में एक बारिश का, एक धूप का और एक सर्दी का, ऐसे 3 ऋतुएं मुख्य होती हैं। तो देखिए, इस पाठ में बताया गया है कि ये ऋतुएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इसको ही ऋतु चक्र कहते हैं। एक चला जाने के बाद दूसरा ऋतु आता है, दूसरा चला जाने के बाद तीसरा ऋतु आता है। इसी कारण प्रकृति का जो चक्र है वो समतल रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचती और ये सब मनुष्य के लिए होना जरूरी है। मनुष्य के जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है। इसीलिए इस महत्व को बताते हुए इस पाठ को विमला रस्तोगी ने किस तरह से प्रस्तुत किया है, इस पाठ के द्वारा हम देखते हैं। मंच पर रंग बिरंगे पर्दे लगे हैं। पर्दा उठते ही अमन, रिंकी, मोहित और सोनाली दिखाई देते हैं। चारों ताली बजाते हुए गोल चक्कर में घूमते हुए गा रहे हैं सब एक साथ। सब मौसम मतवाले भैया, एक से एक निराले भैया। देखिए, यहाँ पर मंच का अर्थ है नाटक खेलने का स्थान। जहाँ पर नाटक खेला जाता है वह स्थान जिसको मंच कहते हैं। और इस मंच पर खड़े होकर चार बच्चे गीत गा रहे हैं। सब मौसम मतवाले भैया, एक से एक निराले भैया। देखिए, सब मौसम कैसे हैं, अपने अपने मत के अनुसार चलते हैं और सब एक दूसरे से निराले हैं। देखो, सर्दी होती है तब हम क्या लेते हैं, चादर लेते हैं, ठंड लगती है इसलिए। उसके बाद बारिश जब आती है, दूसरा मौसम बारिश का होता है, बारिश जब आती है तब क्या होता है, हम छाता लेकर चले जाते हैं, इधर उधर रेनकोट पहनते हैं। और गर्मी जब होती है तब क्या होता है, फैन लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, है ना, एसी में बैठते हैं। तो ऐसे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चीज़ें हम करते हैं। एक से एक निराले भैया, इन दोनों लाइनों को चारों बच्चे 3-4 बार दोहराते हैं। तभी सन 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 की आवाज के साथ ठंडी हवा चलने लगती है। बच्चों को सर्दी लगने लगती है। सन 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 की आवाज जब चलने लगती है तब बच्चे ठिठुरते हैं, उनको सर्दी लगने लगती है। चारों एक दूसरे से सटकर सिकुड़कर बैठ जाते हैं। तभी रंगीन साड़ी पहने, शाल ओढ़े, सिर पर स्कार्फ बांधे, हाथ में गरम चादर लिए एक स्त्री शरद ऋतु आती है। एक स्त्री आती है जिसका नाम क्या है, शरद ऋतु, उनके सामने आती है और वो आते ही इन सभी को ठंड लगने लगती है। चारों बच्चे उस स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं, तू पूछ तू पूछ। सभी बच्चे उस स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कौन है, कौन स्त्री है, क्या नाम है इसका, ये सब जानना चाहते हैं। इसलिए एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, तू पूछ तू पूछ। अमन हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और पूछता है। देखिए, इसमें से जो अमन है वो क्या करता है, हिम्मत करता है उस स्त्री को उसका नाम पूछने के लिए कि वो कौन है। तो अमन देखो क्या बोलता है, अमन बोलता है, आप कौन है, वह स्त्री को प्रश्न पूछता है, आप कौन है। शरद ऋतु बोलती है, मुझे नहीं पहचाना। तो मोहित बोलता है, ठंड से कांपते हुए, हमें ठंड लग रही है, जल्दी बताइए, हमें ठंड लग रही है, जल्दी बताइए। तो शरद ऋतु बोलती है, तुम्हें सर्दी लग रही है ना, मेरे आते ही गर्मी दूम दबाकर भाग जाती है।
देखो धूम दबाकर भाग जाना यानी घबरा कर भाग जाना, घबरा कर चले जाना, बहुत घबरा जाना, धूम दबाकर भाग जाती है एक मुहावरा है। मुहावरे पता है ना आपको, मुहावरे वाक्य में आते हैं वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए, उसका अर्थ अलग होता है। पर वो देखिए धूम दबाकर भाग गई यानी क्या हो गया, यहाँ पर वो घबरा कर भाग गया। कौन? गर्मी, सर्दी आती ही, शरद ऋतु आती ही वो गर्मी ऋतु वहां से भाग गई। गर्मी हो रही थी बच्चों को, पर अचानक से वहां उनको ठंड लगने लगी। तो रिंकी बोलती है मुझे जाड़ा अच्छा लगता है। देखो शरद ऋतु को जाड़े का मौसम भी कहते हैं, सर्दी का मौसम भी कहते हैं। मुझे जाड़ा अच्छा लगता है, मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इनको मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं। मोहित बोलता है रिंकी को चिढ़ाते हुए, हूँ नदीदी कही की। अब नदीदी का अर्थ देखो, नदीदी यानी लालची, चटोरी, लालची चटोरी। मोहित बोलता है हूँ नदीदी कही की, मूंगफली और गन्ने की वजह से जाड़ा अच्छा लगता है इसे। सिर्फ मूंगफली खाने से और गन्ना खाने से इसे यह जाड़ा अच्छा लगता है। मुझे जाड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसको? मोहित को। मुझे जाड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस ठंड से ठिठुरते रहो। देखो ठंड से ठिठुरते रहो ऐसे इसको लगता है, क्योंकि इसको यह ठंड अच्छी नहीं लगती, जाड़े का मौसम इसे अच्छा नहीं लगता, ठंड से ठिठुरते रहो ऐसे वो बोलता है। शरद ऋतु बोलती है इसको, इसके ऊपर। मोहित के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? शरद ऋतु मोहित से पूछती है। तब मोहित क्या बोलता है देखिए, नाक भौं सिकोड़कर, मेरा नाम मोहित है। क्या बोलता है? मेरा नाम मोहित है। अमन बोलता है सर्दी रानी, मोहित नहाने का चोर है, मोहित नहाने का चोर है। देखिए इसको तो नहाना अच्छा लगता है, पर ठंड में ठिठुरते हुए नहाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो क्या बोलता है देखिए, मोहित बोलता है हाँ सर्दी में ठिठुरते हुए नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इतनी जल्दी रात हो जाती है। देखो रात तो बहुत जल्दी हो जाती है और इतने सारे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, ठंड जब लगती है हमें तब हम क्या करते हैं और चादर लेकर सो जाते हैं और ठंड से ठिठुरते रहते हैं। तो ये ठंड से ठिठुरना, बहुत सारे कपड़े पहनना और जल्दी रात होना, ये इसको अच्छा नहीं लगता है, ठंड में रात जल्दी हो जाती है। शरद ऋतु बोलती है पर तुम्हें सोने के लिए इतनी लंबी रात मिलती है। देखो सर्दी का जो मौसम होता है, शरद ऋतु में रातें लंबी होती हैं, तो सोने के लिए रातें लंबी होती हैं, पर तुम्हें सोने के लिए इतनी लंबी रात मिलती है, तुम्हारी सेहत जाड़ों में अच्छी हो जाती है। और हम जब ज़्यादा सोते हैं हमें अच्छी नींद आती है, तब हमारी सेहत भी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि बहुत देर तक सोए, नहीं, हमें रात सोने के लिए दी है तो अच्छी नींद अगर आए तो हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। पर तुम्हें सोने के लिए इतनी लंबी रात मिलती है, तुम्हारी सेहत जाड़ों में अच्छी हो जाती है, तुम्हारी सेहत जो है वो जाड़े के मौसम में बहुत अच्छी हो जाती है। सोनाली बोलती है हाँ मम्मी हमें लड्डू बनाकर खिलाती हैं, गाजर, मूली, अमरूद, संतरे, कितनी चीजें मिलती है खाने के लिए। देखो सोनाली की मम्मी उसे लड्डू बनाकर खिलाती है और इसे सर्दी में गाजर, मूली, अमरूद, संतरे, बहुत सारी चीजें सर्दी में खाने के लिए मिलती हैं। शरद ऋतु बोलती है तुम तो बड़ी समझदार हो बिटिया। किसको बोलती है? सोनाली को। अमन बोलता है जाड़ों में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, बस रजाई में पड़े रहो यही मन करता है। हाँ दोपहर को धूप में खेलने में बड़ा मजा आता है। देखिए ये जो अमन है वो क्या बोलता है, इसे तो सोना बहुत पसंद है और जाड़ों में सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता, बस रजाई में पड़े रहो और यही मन करता है, और दोपहर को धूप में खेलने में भी बहुत मजा आता है क्योंकि ज्यादा धूप नहीं लगती ठंड का मौसम होने के कारण। शरद ऋतु बोलती है
गुड़ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी तुम्हें कैसे लगती है बच्चों? बच्चों को प्रश्न पूछती हैं कि गुड़ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी तुम्हें कैसे लगती है बच्चों? तो सब बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो शरद ऋतु बोलती है, मोहित तुम सर्दियों में गर्म पानी से नहाया करो, नहाना जरूरी है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देखिए ये जो मोहित है वो ठंड में नहाना नहीं चाहता है, ठंड में ठिठुरते हुए नहाना नहीं चाहता है, इसलिए शरद ऋतु उसे बोलती है कि गर्म पानी से नहाया करो और नहाना जरूरी है, स्वास्थ्य इससे अच्छा रहता है। देखो अगर हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें हमेशा नहाना चाहिए। तो रिंकी बोलती है कुछ सीख लो मोहित, मोहित को क्या बोलती है, कुछ सीख लो इस शरद ऋतु से। तो मोहित बोलता है तुम चुप रहो रिंकी। रिंकी बोलती है क्यों चुप रहूं? मोहित बोलता है बताओ अभी। शरद ऋतु बोलती है समझाते हुए, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं, मिलजुल कर रहो। अच्छा बच्चों अब मैं चलती हूँ, अगले साल फिर आऊँगी। चली जाती है। देखो शरद ऋतु यानी सर्दी का मौसम जो है वो चला जाता है और बाद में क्या होता है देखिए, सर्दी के जाते ही बच्चों को गर्मी लगने लगती है, वे शाल उतार कर एक तरफ फेंक देते हैं। मतलब अभी कौन सा मौसम आने वाला है, गर्मी का मौसम आने वाला है। अभी शरद ऋतु चली जाने के बाद कौन सा मौसम आने वाला है, गर्मी का मौसम। शरद ऋतु यानी कौन सा मौसम, जाड़े का मौसम, सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम। अब देखिए सर्दी के जाते ही बच्चों को गर्मी लगने लगती है, वे शाल उतार कर एक तरफ फेंक देते हैं। अमन बोलता है बड़ी गर्मी लग रही है यार, अपने कुर्ते के दोनों कोने पकड़कर हवा करने लगता है, खुद को क्या करने लगता है, हवा करने लगता है। तभी सोनाली बोलती है वह देखो कौन आ रहा है पंखे लेकर, सफेद साड़ी पहने एक स्त्री हाथ में पंखे लिए आ रही है। सब बच्चे उत्सुकता से उसे देख रहे हैं, स्त्री उनके पास आ जाती है। देखिए उत्सुकता का मतलब है जानने की इच्छा, उत्सुकता का मतलब क्या है, जानने की इच्छा। सभी बच्चे उत्सुक हैं जानने के लिए कि वह स्त्री कौन है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में जानने के लिए सभी उत्सुक है, उत्सुकता से उसे देख रहे हैं, स्त्री उनके पास आ जाती है। तभी ग्रीष्म ऋतु कहती है गर्मी लग रही है ना, लो पंखे से हवा करो। उसके हाथ में क्या है, पंखे हैं, पंखे से हवा करो क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। एक एक पंखा सबको देती हैं। अमन बोलता है आप कौन हैं? तभी स्त्री बोलती है अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं गर्मी हूँ यानी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। मोहित बोलता है लपक कर आगे आता है, गर्मी रानी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए ये जो मोहित है उसे ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगा, वो नाक भों सिकोड़ा उसने गर्मी से। जब शरद ऋतु आती है तब उससे बातें करते वक्त उसने क्या किया, नाक भों सिकोड़ा, पर इससे बातें करते हुए वो लपक कर आगे आकर बातें कर रहा है। मोहित लपक कर आगे आता है, गर्मी रानी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। तभी कृष्ण ऋतु कहती है हंसकर वह कैसे, मोहित बोलता है खूब नहाओ खूब सो। देखिए खूब नहाओ खूब सो, वो नहाने का चोर है और नहाना उसे अच्छा लगता है, पर ठंड के मौसम में ठिठुरते हुए नहाना उसे अच्छा नहीं लगता। देखो गर्मी के मौसम में खूब नहाओ खूब सो, सोने के लिए उसे मिलता है ज़्यादा और नहाने के लिए भी मिलता है। रिंकी बोलती है मुझे तो गर्मियों में शरबत और लस्सी बहुत अच्छी लगती है। किसको, रिंकी को, गर्मियों में शरबत और लस्सी बहुत अच्छी लगती है। देखो जब ज़्यादा गर्मी होती है तब हम क्या पीते हैं, शरबत पीते हैं, लस्सी पीते हैं। ग्रीष्म ऋतु बोलती है और खरबूज तरबूज, वो भी तो गर्मी के मौसम में ही आते हैं फल, खरबूज और तरबूज ये भी गर्मी में मिलते हैं, तो ये आपको अच्छा लगता है क्या। सोनाली बोलती है मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए जो फल है तरबूज वो मुझे खाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। रिंकी बोलती है मुझे भी,
रिंकी क्या बोलती है, मुझे भी तरबूज अच्छा लगता है। तभी ग्रीष्म ऋतु कहती है, फल से शहतूत और बेल। तभी ग्रीष्म ऋतु कहती है, फल से शहतूत और बेल का शरबत पीना या इन फलों को ऐसे ही खाना बड़ा अच्छा रहता है। अमन की तरफ देखकर, अरे तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तभी अमन बोलता है, क्या बोलूं, आप मुझे अच्छी नहीं लगती। देखिए अभी अमन को यह ऋतु पसंद नहीं है, या जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम है, वो अमन को पसंद नहीं है। वो बोलता है, क्या बोलूं, आप मुझे अच्छी नहीं लगती। ग्रीष्म ऋतु कहती है, ऐसी भी क्या नाराजगी, मुझसे ऐसी भी क्या नाराजगी। तभी अमन बोलता है, जब देखो पसीना ही आता रहता है, तेज धूप में कहीं जा नहीं सकते, लू लगने का डर रहता है, लू लगने का डर रहता है। देखिए जब देखो पसीना ही पसीना बहता रहता है, कहीं धूप में जा नहीं सकते हैं, और लू लगने का डर भी रहता है, बीमार पड़ने का डर इस धूप के कारण रहता है। इसीलिए हम दोपहर की धूप में कहीं फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते, और देखो तो पसीना ही पसीना निकलता रहता है। इसीलिए अमन को यह गर्मी पसंद नहीं है। सोनाली बोलती है, सो तो है। ग्रीष्म ऋतु कहती है, तुम लोगों को लू में नहीं निकलना चाहिए। जब ऐसे बहुत गर्मी होती है ना दोपहर को, तब हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये लू कहाँ पर चलते हैं, जहाँ पर मैदानी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे गर्म हवाएं चलते रहती हैं, तो ऐसे गर्म हवाओं में हमें नहीं जाना चाहिए। तुम लोगों को लू में नहीं निकलना चाहिए। यदि जाना जरूरी है तो सिर पर तौलिया रखो, साथ में प्याज रखो, कच्चे आम का पना पियो। देखिए ग्रीष्म ऋतु कहती हैं कि अगर जाना है, जरूरी है, जाना जरूरी है बाहर, तो ही बाहर निकलना चाहिए, पर जाते समय सिर पर तौलिया रखना जरूरी है, साथ में प्याज रखना जरूरी है, और कच्चे आम का पना पीना भी जरूरी है। ऐसे अगर आपके पास सभी सुविधा है तो ही आप बाहर निकलो, नहीं तो लू में आपको बीमारी हो सकती है, लू के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। देखो पना का मतलब क्या है, कच्चे आम को उबालकर चीनी, नमक और जीरा डालकर बनाया जाने वाला पेय, इसको पना कहा जाता है। और देखिए सोनाली बोलती है, गर्मी रानी आप लू को बंद नहीं कर सकती। सोनाली ग्रीष्म ऋतु को पूछती है, उससे पूछते हैं कि गर्मी रानी आप लू को बंद नहीं कर सकती। तब ग्रीष्म ऋतु कहती है, सोनाली लू केवल मैदानी इलाकों में चलती है, जहाँ जहाँ मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर ये लू चलती हैं, मतलब गर्म हवाएं चलती हैं। गर्मियों में पहाड़ों पर सुहाना मौसम होता है, समुद्र के किनारे बसे शहरों में भी मेरा जोर नहीं चलता। समुद्र के किनारे मैदानी जो हिस्से होते हैं, इलाके होते हैं, वहाँ पर भी इस गर्मी का कुछ नहीं चलता, वहाँ पर ये ऐसे लू चलते रहते हैं मैदानी इलाकों में और समुद्र के किनारे ऐसे गर्म हवाएं चलती रहती हैं। सुहाना मौसम कहाँ दिखता है, पहाड़ों पर। गर्मियों में पहाड़ों पर सुहाना मौसम होता है, समुद्र के किनारे बसे शहरों में भी मेरा जोर नहीं चलता। ग्रीष्म ऋतु कहती है, सोनाली लू केवल मैदानी इलाकों में चलती है, गर्मियों में पहाड़ों पर सुहाना मौसम होता है, समुद्र के किनारे बसे शहरों में भी मेरा जोर नहीं चलता। देखो ये जो लू चलती है ना, मतलब गर्म हवाएं, वो मैदानी इलाकों में चलती हैं। मैदान गर्म होते हैं तब वो जो हवा होती है वो भी गर्म होने लगती है और वो बहने लगती है, तब ये गर्म हवाएं वहाँ से चलती रहती हैं। गर्मियों में पहाड़ों पर सुहाना मौसम होता है, देखो पहाड़ों पर इस गर्मियों में सुहाना मौसम होता है, वहाँ जाकर अगर आपने देखा तो उस पर्यावरण का या फिर इस गर्मियों का आप मज़ा ले सकते हैं। समुद्र के किनारे बसे शहरों में भी मेरा जोर नहीं चलता, वहाँ भी लू चलती रहती हैं, गर्म हवाएं चलती रहती हैं। रिंकी बोलती है, गर्मी रानी आप एक बात बताना तो भूल ही गई, आप एक बात बताना तो भूल ही गई। ग्रीष्म ऋतु कहती है,
वह क्या? रिंकी बोलती है गर्मियों में आम आते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं। देखिए गर्मी के मौसम में आम आते हैं, आम के फल आते हैं और वो सबको अच्छे लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु कहती है हाँ आम फलों का राजा है। आम क्या है? फलों का राजा है। आम से तो मेरा जन्म जन्म का नाता है। मोहित बोलता है खुश होकर गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, मैं अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाता हूँ। जब स्कूल को छुट्टी होती है तब ये जो मोहित है वो कहाँ जाता है? अपने नाना नानी के यहाँ पर जाता है और वहाँ जाकर खूब मजा करता है। ग्रीष्म ऋतु बोलती है बच्चों तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अच्छा अब मैं चलूँ। वर्षा इंतजार में खड़ी होगी। वर्षा इंतजार में खड़ी होगी। वर्षा कोई लड़की है? नहीं, वर्षा ऋतु ये इंतजार कर रही होगी। ऐसे ग्रीष्म ऋतु बोलकर वहां से चली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु इन्होंने अपने बारे में बच्चों को जानकारी दी। इस वीडियो के द्वारा हम इतना ही देखते हैं, इसके आगे वाला जो हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।